नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका काम की बात में। और आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक आर्यभट्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्रियों और गणितज्ञों में से एक थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीजगणित यानी अल्जेब्रा का प्रयोग किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय, जो कि एक गणित की पुस्तक है, उसको कविता के रूप में लिखा था। यह प्राचीन भारत की बहुचर्चित पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में दी गई ज्यादातर जानकारी खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति से संबंध रखती है। आर्यभट्टीय में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम भी दिए गए हैं। शुरुआती जीवन। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्म काल शक संवत 398 लिखा है। इस जानकारी से उनके जन्म का साल तो पता लगता है, लेकिन वास्तविक जन्म स्थान के बारे में विवाद है। कुछ स्रोतों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म महाराष्ट्र के अस्मक प्रदेश में हुआ था। अपने जीवन में वह किसी काल में उच्च शिक्षा के लिए कुसुमपुर गए थे और कुछ समय वहां रहे भी थे। 7वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ भास्कर ने कुसुमपुरा की पहचान पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक समय में पटना के नाम से जाना जाता है, उसके रूप में की है। यहाँ पर अध्ययन का एक महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था, और संभव है कि आर्यभट्ट इससे जुड़े रहे हों। ऐसा भी संभव है कि गुप्त साम्राज्य के अंतिम दिनों में आर्यभट्ट वहां रहा करते थे। गुप्त काल को भारत के स्वर्णिम युगों के रूप में जाना जाता है। बिहार में वर्तमान पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था, लेकिन जहां आर्यभट्ट का जन्म हुआ वो कुसुमपुर दक्षिण में भी था। मध्य काल में निकोलस कोपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, और इसी कारण रात और दिन होते हैं। लेकिन इस वास्तविकता से बहुत कम लोग ही परिचित होंगे कि कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है। इस महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ को यह भी ज्ञात था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह सूर्य की किरणों से प्रकाशमान होते हैं। आर्यभट्ट ने अपने सूत्रों से यह सिद्ध किया कि एक वर्ष में 366 दिन नहीं वरन 365.2951 दिन होते हैं। आर्यभट्ट के कार्यों की जानकारी उनके द्वारा रचित ग्रंथों से मिलती है। इस महान गणितज्ञ ने आर्यभट्टीय, दस गीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत जैसे ग्रंथों की रचना की थी। विद्वानों में आर्यभट्ट सिद्धांत के बारे में बहुत मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट सिद्धांत का 7वीं सदी में बहुत ही जोर शोरों से उपयोग होता था। आज के युग में इस ग्रंथ के केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध है, और इतने उपयोगी ग्रंथ लुप्त कैसे हो गए, इस विषय में भी विद्वानों के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। आर्यभट्टीय उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट ने स्वयं इसे यह नाम नहीं दिया होगा, बल्कि बाद के टिप्पणीकारों ने आर्यभट्टीय नाम का प्रयोग किया होगा। इसका उल्लेख भी आर्यभट्ट के शिष्य भास्कर प्रथम ने अपने लेखों में किया है। इस ग्रंथ को कभी कभी आर्य शत अष्ट अर्थात आर्यभट्ट के 108, जो कि उनके पाठ में छंदों की संख्या है, के नाम से भी जाना जाता है। आर्यभट्ट में वर्गमूल, घनमूल, समानांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। वास्तव में ये ग्रंथ गणित और खगोल विज्ञान का एक संग्रह है। आर्यभट्टीय के गणितज्ञ भाग में अंकगणित, बीजगणित, सरल त्रिकोणमिति और गोलीय त्रिकोणमिति शामिल है। इसमें सतत भिन्न यानी कंटिन्यूस फ्रैक्शन, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, घात श्रृंखला के योग यानी सम्स ऑफ पावर सीरीज और ज्याओं की एक तालिका यानी टेबल ऑफ साइंस शामिल है। आर्यभट्टीय में कुल 108 छंद हैं और साथ ही परिचयात्मक 13 अतिरिक्त हैं। ये चार पदों द्वारा अध्याय में विभाजित हैं: गीतिक पाद, गणित पाद, काल क्रिया पाद, गोल पाद, आर्य सिद्धांत। आर्य सिद्धांत खगोलीय गणनाओं के ऊपर एक कार्य है। यह ग्रंथ अब लुप्त हो चुके हैं, और इसके बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो या तो आर्यभट्ट के समकालीन वराहमिहिर के लेखनों से या बाद के गणितज्ञों और टिप्पणीकारों जैसे ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम आदि के कार्यों और लेखों से मिलती है। हमें इस ग्रंथ के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है यह कार्य पुराने सूर्य सिद्धांत पर आधारित है, और आर्यभट्टीय के सूर्योदय की अपेक्षा इसमें मध्य रात्रि दिवस गणना का उपयोग किया गया है। इस ग्रंथ में ढेर सारे खगोलीय उपकरणों का भी वर्णन है। इनमें मुख्य है शंकु यंत्र, छाया यंत्र, कोण मापी उपकरण, धनुर यंत्र, चक्र यंत्र, एक बेलनाकार छड़ी यस्ती यंत्र, छत्र यंत्र और जल घड़ियां हैं। उनके द्वारा कृत एक तीसरा ग्रंथ भी उपलब्ध है, पर यह मूल रूप में मौजूद नहीं है, बल्कि अरबी अनुवाद अल नफ के रूप में अस्तित्व में है। यह ग्रंथ आर्यभट्ट के ग्रंथ का एक अनुवाद के रूप में दावा प्रस्तुत करता है, परंतु इसका वास्तविक संस्कृत नाम अज्ञात है। यह फारसी विद्वान और इतिहासकार
अबू रेहान अल बरूनी द्वारा उल्लेखित किया गया है। आर्यभट्ट का भारत और विश्व के गणित और ज्योतिष सिद्धांत पर गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय गणितज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले आर्यभट्ट ने 120 आर्य छंदों में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत और उससे संबंधित गणित को सूत्र रूप में अपने प्रथम ग्रंथ आर्यभट्टीय में प्रस्तुत किया है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में महान आर्किमिडीज से भी अधिक सटीक पाई के मान को निरूपित किया था और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहली बार यह घोषित किया गया कि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है। स्थान मूल्य अंक प्रणाली आर्यभट्ट के कार्यों में स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। हालांकि उन्होंने शून्य दर्शाने के लिए किसी साइन का प्रयोग नहीं किया, परंतु गणितज्ञ ऐसा मानते हैं कि रिक्त गुणांक के साथ 10 की घात के लिए एक स्थान धारक के रूप में शून्य का ज्ञान आर्यभट्ट के स्थान मूल्य अंक प्रणाली में निहित था। यह हैरान और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि आजकल के उन्नत साधनों के बिना ही उन्होंने लगभग 1500 साल पहले ही ज्योतिष शास्त्र की खोज की थी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोपरनिकस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की खोज आर्यभट्ट 1000 वर्ष पहले ही कर चुके थे। गोलपाद में आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस महान गणितज्ञ के अनुसार किसी वृत्त की परिधि और व्यास का संबंध 62832:20000 आता है, जो 4 दशमलव स्थान तक शुद्ध है। आर्यभट्ट की गणना के अनुसार पृथ्वी की परिधि 39968.0582 किलोमीटर है, जो इसके वास्तविक मान 40075.0167 किलोमीटर से केवल 0.2% कम है। आर्यभट्ट ने बड़ी बड़ी संख्याओं को अक्षरों के समूह से निरूपित करके कितन्यत वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है। आर्यभट्ट और उनके अनुयायियों द्वारा की गई विधि गणना पंचांग और हिंदू तिथि पत्र निर्धारण के व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए भारत में निरंतर इस्तेमाल हो रही है। इन्हें इस्लामी दुनिया को भी प्रेषित किया गया, जहां इसमें जलाली तिथि पत्र का आधार तैयार किया गया, जिसे 1973 में उमर खयाम सहित कुछ खगोलविदों ने प्रस्तुत किया, जिसके संस्करण आज ईरान और अफगानिस्तान में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में है। जलाली तिथि पत्र अपनी तिथियों का आंकलन वास्तविक और पारगमन के आधार पर करता है। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को भी उनका ही नाम दिया गया था। चंद्रघड्ड आर्यभट्ट का नाम उनके सम्मान स्वरूप रखा गया है। खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधानों के लिए भारत में नैनीताल के निकट एक संस्थान का नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान रखा गया है। अंतर विद्यालय आर्यभट्ट गणित प्रतियोगिता उनके नाम पर है। इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा 2009 में खोजी गई एक बैक्टीरिया की प्रजाति का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है, जिसका नाम बैसिलस आर्यभट्ट है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।